आज प्रभु यीशु अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी देते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय शु। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 21 से लेकर 30 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी देते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। प्रभु यीशु जानते थे कि अविश्वासी यहूदीगण जब वे मरेंगे तो वे स्वर्ग की ओर नहीं जाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। प्रभु यीशु स्वर्ग जा रहे थे, अपने दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान के बाद वे स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन यहूदीगण नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, इसलिए प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि सभी यहूदियों ने जो अविश्वासी यहूदी थे उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए थे कि वे प्रभु के पास जाए, कि वे स्वर्ग में जाए और प्रभु के साथ में रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे कुकर्म किए, कई ऐसे पाप किए जिसके कारण वे स्वर्ग जाने में असमर्थ थे, इसीलिए प्रभु उन्हें आज चेतावनी देते हैं और उन्हें अविश्वासी कहते हैं। इसीलिए हमें भी ज़रूरत है कि हम इस चालीसा काल में विशेष रूप से विश्वास करते हुए आगे बढ़े। और हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पद संख्या 26 में कहते हैं मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। क्योंकि प्रभु यीशु हम लोगों को कई बातों में वे दोषी ठहरा सकते हैं और हमें मालूम है वे कौन कौन सी बातें हैं, हम किन बातों के कारण दोषी ठहराए जा सकते हैं। हमारा मन जानता है, हमारा मन जानता है, हमारा हृदय जानता है कि किन बातों में हम दोषी ठहराए जा सकते हैं। इसलिए प्रभु आगे कहते हैं जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उससे अच्छा लगता है। प्रभु यीशु अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी नहीं करते, वे पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। पिता ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसे ही वे कार्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। जब लोगों को प्रभु यह कहते थे तो लोग उन पर विश्वास करते थे। क्या आज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं या यहूदियों के समान अविश्वासी बन जाते हैं? आज हमें अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने संसार में आकर पिता की इच्छा को पूरी करी। आज हमें अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने संसार में आकर पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, उन पर विश्वास करना है। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें कि हम विश्वासी बने, यहूदी शास्त्रियों के समान नहीं परंतु एक अच्छे विश्वासी के पथ पर आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार प्रभु ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करी। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें इस चालीसा काल में उन लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु से दूर जा रहे हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी को अपनी छत्र छाया में बनाए रखे और विश्वास में आगे बढ़ाए। आमीन।